नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनू टेक चैनल। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल है इलेक्ट्रीशियन के लिए भी और प्लम्बर के लिए भी। झूमर इंस्टॉलेशन का वीडियो है, अगर आप प्लम्बर हैं और देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अदरवाइज आपको नॉलेज ही मिलेगा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल वीडियो है। अभी आज मैं आपको झूमर इंस्टॉल करना सिखाऊंगा कि दोस्तों जो झूमर होता है उसको आप कैसे इंस्टॉल करेंगे। अभी ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, दूसरे साइड पे हूँ मैं। अभी यहाँ का वायरिंग दोस्तों पूरा कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों चलेंगे दूसरे साइड पे, वहाँ का फाल सीलिंग पूरा कंप्लीट हो गया है, सीट वगैरह कम्प्लीट है। अभी वहाँ पर झूमर इंस्टॉल करना है, तो झूमर कैसे इंस्टॉल होगा, बहुत ही अच्छा झूमर है, बहुत खूबसूरत दिखेगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। झूमर का इंस्टॉलेशन कैसे होता है जानकारी के लिए दोस्तों आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। तो दोस्तों अब आइए चलते हैं दूसरे साइड पर, वहाँ पर मैं आपको इंस्टॉल करना सिखाता हूँ कि झूमर जो है कैसे इंस्टॉल होगा। अब देखिए ये जो झूमर है दोस्तों अपना, वो यहाँ पर है, देख सकते हैं। इसको मैं अनबॉक्स कर दिया हूँ, देख सकते हैं झूमर दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ही सावधानी से हल्के हाथों से इसे उठाना है, जितना भी दोस्तों टोटल ये शीशा लगा हुआ है, ज़रा भी सावधानी हटी दोस्तों तो ये टूट सकता है। ठीक है, बिल्कुल हल्के हाथों से उठाना है। ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेकेट लगा हुआ है, देखिए ये जो दिख रहा है ना ब्रेकेट है, इसी के सहारे सीलिंग में इसको हैंग किया जाएगा। तो अभी यहाँ पे इसमें ये फिक्स है, तो इसका चारों साइड का नट खोल के निकाल लेना है। बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे हाथ चलाना है, क्योंकि शीशा है, टूट गया, अगर एक भी टूटेगा तो पूरा शो ख़राब दिखेगा, काफ़ी ज़्यादा गंदा दिखेगा। ठीक है, बहुत ही आराम से धीरे धीरे चारों साइड का जो नट है उसको खोल लेंगे। देखिए इसको मैं खोल के निकाल लिया हूँ, और अभी दोस्तों इसका एक नट जो है इसके अंदर ही रह गया है, वो मुझे ढूँढना पड़ेगा क्योंकि लगाते समय उसकी ज़रूरत पड़ेगी टाइट करने के लिए। तो इसके अंदर रह गया है, उसको मैं भी निकाल लेता हूँ। ठीक है, बहुत ही सावधानी से पूर्वक काम करना है यहाँ पे, क्योंकि शीशा है, अगर टूट गया तो पूरा शो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी है। तो नट एक इसके अंदर रह गया है, इसको मैं थोड़ा सा झुका के निकाल लेता हूँ। निकल गया, ये देखिए मिल गया मुझे कॉफ़ी। तो अब दोस्तों देखिए इसको ब्रेकेट को यहाँ पर फिक्स करने के लिए ना, देखिए यहाँ पे ये फिक्स किया जाएगा, और देखिए यहाँ पे फास्टनर लगा के उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चैन लगाया गया है डबल सपोर्ट के लिए। यहाँ पे चैन भी लगा रहा हूँ मैं, ताकि जो है मजबूती बरकरार रहे। ठीक है, झूमर वगैरह गिरने का चांस ना रहे, अगर गिरेगा भी तो ये इसके सहारे हैंग हो जाएगा। देखिए इसको चैन से प्रॉपर मैं यहाँ पर बांध दिया हूँ, उसके बाद चारों स्क्रू यहाँ पर होल करके ना, होल करके उसके बाद इसमें फंसा लेंगे, टाइट कर लेंगे। देखिए इस तरह से होल कर लेंगे। यहाँ पे ये पीवीसी पैनल है, तो बहुत ही ईजिली टेस्टर से या किसी भी कील से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से होल हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए होल यहाँ पे हो गया। अंदर से स्क्रू इस तरह से डाल लेना है चारों साइड का। देखिए अभी मैं यहाँ पे चारों साइड स्क्रू डाल लिया हूँ। अब जो ये चैन है ना, ये लोहे का जो चैन है, इसको फंसा लेंगे। फंसाने के बाद उसके बाद ये चारों नट को यहाँ पर इस तरह से प्रॉपर इसको टाइट करेंगे। ध्यान रहे पीवीसी पैनल है, और बहुत ही सावधानी से टाइट करना है, क्योंकि यहाँ पे झूमर हैंग होगा, तो मजबूती का ध्यान रखना आपको। ये देखिए इस तरह से आपको टाइट करना है, पूरा टाइट हो जाएगा। अभी तीन नट टाइट हो चुका है, एक नट ये इस तरह से मैं टाइट कर रहा हूँ। प्रॉपर टाइट आपको कर लेना है, फिनिशिंग भी देना होता है, इसलिए प्रॉपर आप काम करिए, सही ढंग से करिए। देखिए अभी दोस्तों ये प्रॉपर टाइट हो गया है, देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है इसको मैं प्रॉपर अच्छी तरह से टाइट कर दिया हूँ, जितना भी नट है दोस्तों चारों साइड का इसको मैं टाइट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ये जो चैन है, चैन को भी मैं लगा दिया हूँ डबल सपोर्ट के लिए, ताकि जो है झूमर गिरे ना। पहली बात तो दोस्तों ये कभी गिरेगा नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर गिरता भी है ना, तो डबल सपोर्ट है यहाँ पर, ये जो चैन है, चैन के सहारे ये हैंग हो जाएगा। नट को मैं प्रॉपर टाइट कर दिया हूँ, ये जो यहाँ पे ब्रेकेट है पूरी तरह से दोस्तों फिक्स हो गया है प्रॉपर तरीके से। अभी इसका कनेक्शन करेंगे। देखिए झूमर को यहाँ पे उठाया जा रहा है, देख सकते हैं, और बहुत ही सावधानी से उठाना है, जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहले इसका कनेक्शन कर लेंगे। म्यूजिक वाला दोस्तों ये झूमर है, इसमें बीच बीच में म्यूजिक भी चलेगा, आप लोग वीडियो में बने रहिए, अभी मैं आपको म्यूजिक सुनाऊँगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी दिख रहा है, खूबसूरत भी दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे कनेक्शन मैं कर लेता हूँ, पहले कनेक्शन हो जाएगा उसके बाद ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। कनेक्शन हो रहा है अभी इसका, वायर को ज्वाइंट करना पड़ेगा,
देखिए अभी वायर को ज्वाइंट कर लिया गया है। उसके बाद देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे इसको फिक्स करेंगे, ठीक है। बहुत ही सावधानी पूर्वक करना पड़ता है दोस्तों। ये जो है टोटल पूरा दोस्तों ये शीशा है, ठीक है। टूट गया तो पूरा कहानी ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, इसलिए काफ़ी सावधानी से करिए। चारों साइड का जो नट है दोस्तों पहले मिला लेंगे, चारों होल में जब चला जाएगा उसके बाद इसको टाइट करना है। देखिए अभी होल में दोस्तों ये चला गया है। देखिए इस तरह से धीरे धीरे मैं इसको टाइट कर रहा हूँ, बहुत ही बारीकी से धीरे धीरे इसको मैं टाइट कर रहा हूँ, ठीक है। चारों साइड का जो नट है उसको प्रॉपर टाइट कर लेंगे। तो अभी दो साइड का हो गया है और इधर का मैं अभी टाइट कर रहा हूँ। देखिए बहुत ही सावधानी से आपको करना है। जो झूमर है दोस्तों काफ़ी अच्छा है, म्यूजिक सिस्टम है इसमें। अभी यूएसबी से कनेक्ट होकर ब्लूटूथ से कनेक्ट करवा के उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। कलर चेंजिंग लाइट भी है, 3 कलर में ये अभी जलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो झूमर है इसको यहाँ पे प्रॉपर मैं इंस्टॉल कर दिया हूँ। देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और दोस्तों इसमें म्यूजिक सिस्टम भी है, ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट हो जाएगा, हल्का आवाज़ में सॉन्ग वगैरह आप सुन सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉल हो गया है पूरी तरह से, कई तरह का झूमर इसमें आता है। तो अभी मुझे ये वाला पसंद आया था, देखिए काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है ये। चलिए सप्लाई को ऑन करके इसको मैं दिखाता हूँ, ऑन करिए। ये देखिए अभी वहाँ से मैं ऑन कर दिया हूँ, लाइट यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है और कलर इसका चेंज भी होगा, एक बार ऑफ कीजिए। देखिए अभी देखिए यहाँ पे ब्लू हो गया, पहले पिंक था, एक बार ऑन करिए। अब देखिए अब दोस्तों यहाँ पे ये बैगनी कलर हो गया है, एक बार और ऑन आप करिए। देखिए तो 3 कलर दोस्तों यहाँ पे है, 3 कलर में है, बैगनी है, पिंक है और ब्लू है, ठीक है। और बाकी ये गोल्डन कलर में जल रहा है, तो काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। चलिए सॉन्ग को प्ले करके उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो अभी यहाँ पर ब्लूटूथ जो है वो कनेक्ट हो गया है, एक बार म्यूजिक मैं आपको दिखाता हूँ, चालू करना।